नमस्ते फ्रेंड, आज आप लोगों को बताऊंगा V2A टच कंट्रोल जो वॉच आता है, देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है TG1839। तो ये जो वॉच आता है ये फुल्ली टच कंट्रोल आता है, देख सकते हो यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दिया गया है। एक बटन है ये लाइट के लिए और लॉक अनलॉक करने के लिए दिया गया है। अभी ये अनलॉक है, इसको लॉक करने के लिए प्रेस कर करना पड़ेगा, तो ये लॉक्ड हो गया है। अभी इसमें टच नहीं काम करेगा। तो टाइम कैसे सेट करते हैं यही आज आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। देख सकते हो कोई भी बटन नहीं है, देख सकते हो इधर भी नहीं है, इधर सिर्फ एक दिया गया है। तो अभी इसको अनलॉक करने के लिए इस बटन को थोड़ा देर तक प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अनलॉक होगा। देखो अनलॉक हो गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मोड जो बटन है यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा 1 या 2 सेकंड, ठीक है। अभी ये स्टॉप वॉच पे आया है, ठीक है। यहाँ से आप स्टॉप वॉच ऑन कर सकते हो, देख सकते हो फुल टच कंट्रोल है। मैं टच किया, स्टॉप वॉच चालू हो गया, देख सकते हो। मैं टच किया, स्टॉप वॉच ऑफ हो गया, देख सकते हो। फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ, यह है टाइमर। टाइमर ये सब सेट करना आसान है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो और चालू कर सकते हो, ठीक है। ये मोड बटन, अभी अलार्म पे। अब अलार्म कैसे सेट करें, उसके लिए आपको रीसेट बटन को, जो रीसेट है ये कोई बटन नहीं है, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखो ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है अभी, तो इसे चेंज करते हैं। ये जो स्टार्ट स्टॉप और स्टॉप लिखा हुआ है इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। देखो ऑन हो गया है। देखो आपको जो भी टाइम चाहिए तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको हावर्स, ए मिनट का है, ब्लिंक कर रहा है, अभी हावर्स पे लाना है मुझे। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मोड बटन है इस पर एक बार टैप करना पड़ेगा। देखो आ गया अभी हावर्स पे, तो इसे भी चेंज करते हैं, देख सकते हो। अभी मुझे लगता है मेरा टाइम अलार्म सेट हो चुका है। तो इसके बाद करना है ये जो रीसेट मैंने टच किया था उसे फिर से एक बार टच कर देना है, देख सकते हो अलार्म सेट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों ने सीख लिया अलार्म कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं टाइम, फिर से आपको मोड बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो होम में आ जाएंगे आप, ठीक है। फिर से आपको टाइम पे जाना है मोड को टच करके, देख सकते हो अभी स्टॉप वॉच आया, टाइमर, अलार्म, और यहाँ पर जो T2 लिखा हुआ है ये है टाइम 2। इसके मतलब इसमें दो देशों का, अगर दो आपको टाइम चाहिए, दो टाइम एट ए टाइम आप सेट कर रख सकते हो, ठीक है। आपको 2 टाइम शो करेगा आप अगर रखोगे तो, ठीक है। तो इसे मैं नहीं चेंज करूँगा। इसके बाद वाला जो नॉर्मली चाहिए, जो डेली लाइफ पे यूज़ करते हैं, वही वाला मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो फिर से मैं मोड बटन को दबाऊँगा, देख सकते हो अभी आ गया है वो वाला टाइम पे। तो इसे सेट करना है, तो फिर से ये जो रीसेट लिखा हुआ है यहाँ पर 1 और 2 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा आप लोगों को, प्रेस मतलब टच करके, ठीक है। देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हो। और ये जो स्टार्ट और स्टॉप है यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हो, 1, 2, 3, 25, 26, जो भी रखना है आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर चेंज करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर आप टच करोगे तो ये ऐसे करके चेंज होगा, ठीक है। ये सेकंड
वाला जो लिंक कर रहा है इसे मुझे लाना है हावर्स पे, तो उसे उसके लिए मूट बटन को मूट जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर टच करना पड़ेगा, देख सकते हो। सॉरी ये मिनट पे आ गया है, कोई बात नहीं, मिनट को चेंज कर लेते हैं अभी, देख सकते हो अभी मैं मिनट को चेंज। टच बहुत ही अच्छा क्वालिटी के टच दिया गया है यहाँ पर, टच बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो गया मिनट सेट हो गया। अभी लाना है हावर्स पे, तो मोड को फिर से एक बार टच करना पड़ेगा, देख सकते हो हावर्स पे आ गया है, अभी पीएम भी हो गया देख सकते हो एम पी एम दोनों ही शो करते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया एकदम प्रीमियम क्वालिटी का। इस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को ये वाला वॉच जो है ये मिल रहा है, बहुत ही ये ब्रांड के अंदर जब जाएंगे तो ये वाला वॉच प्राय शायद 3-4 हज़ार में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और इतना अच्छा से टच भी नहीं मिलता है वहाँ पर तो ये हावर्स सेट हो चुका है अभी, तो अभी डेट और टाइम, डेट और डे सेट करना पड़ेगा, तो मूड को फिर से एक बार प्रेस करना करूँगा, देख सकते हो यहाँ पर बिलिंग कर रहा है, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, देख सकते हो 31 तारीख कर दिया हूँ, ठीक है ये डेट है। अभी मंथ तो अभी मंथ सेट कर रहा हूँ, फेब्रुअरी 2 पे रख दिया, उसके बाद ये है कितना साल, मतलब अभी तो यहाँ पर सेट नहीं है, ये 2011 दिखा रहा है, बट इसको चेंज करते हैं, देख सकते हो ऐसे करके मैं 23 कर दूंगा 2023। उसके बाद मुझे ये वाला चेंज करना पड़ेगा, ये जो आज का दिन है दिन को कैसे मतलब डेट डे को या संडे मंडे ऐसे जो डे होता है डे को कैसे चेंज करें, उसके लिए भी ये मोड को एक बार प्रेस करना पड़ेगा, तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा कैसा ये सब ऑपरेट होता है। टच कंट्रोल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। अभी ये जब आपको सेट हो चुका है आप क्या करना है, ये जो रीसेट का बटन है इसको प्रेस कर देना है, तो ये पूरा फुल्ली सेट हो चुका है। अभी आप पहन के जाओगे तो इसको लॉक जरूर करिए, अब लॉक हो चुका है, कोई भी टच काम नहीं करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी टच काम नहीं करेगा तो कोई भी फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सा फीचर्स दिया गया है, लॉक फीचर्स भी दिया गया है यहाँ पर, अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट पे इतना ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है, यही बहुत ही बड़ा क्वालिटी का है, ठीक है। और हर एक फीचर्स अच्छे से काम भी कर रहा है, ठीक है, ये नहीं कि एक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छा है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लगा, आप ये ले सकते हो, ठीक है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, देख सकते हो आप लोगों को हम मैं दिखा दिया कैसे वॉच को ऑपरेट करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको जरूर पता चल जाएगा कैसे ऑपरेट किया गया है, ठीक है। मैंने डिटेल्स दिया हूँ, ठीक है, एक दो बार जरूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।